बीएसपी की सर्व समाज में बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ साथ हाल ही में सपा के साथ बीएसपी द्वारा किए गए चुनावी गठबंधन ने देश में खासकर जातिवादी सांप्रदायिक व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले टीवी चैनलों से बल्कि कुछ जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले टीवी चैनलों से षड्यंत्र करके अब संकीर्ण व शरारतीपूर्ण खबरें भी दिखाना शुरू कर दी है। जब मैंने अपनी गवर्नमेंट खुद छोड़ दी थी कुछ ही महीनों के अंदर और इनकी बात नहीं मानी बीजेपी की, ये चाहते थे कि हमारे साथ मिलके चुनाव लड़े लोकसभा का, हमने मना कर दिया, आपकी आइडियोलॉजी अलग है हमारी अलग है। फिर केंद्र में चल रही बीजेपी की सरकार ने एक और फिर अटेम्प्ट किया मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, किसका, सीबीआई और ईडी का। सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ, मेरे माँ बाप भाई बहनों के खिलाफ, रिश्ते नातों के खिलाफ, तो इन्होंने एक ही दिन में रेड की। तो उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे टेलीफोन करके ये कहा रेड वाले, जब रेड हो गई थी उसके बाद, कि जब हमारी सरकार आएगी आपके साथ जाती हुई है हम आपको न्याय जरूर देंगे। लेकिन इत्तेफाकी था कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई और कई साल तक सेंटर में पावर में रही, और हमने श्रीमती सोनिया गांधी को उनको ये याद दिलाया कि आपने जो आश्वासन दिया था हमें, हम आपसे गलत काम नहीं कराना चाहते, जो सही है जांच पड़ताल करके हमें न्याय दे दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की भी बात निकली और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को कई साल तक लटका के रखा और इसके आड़ में वो घिनौनी राजनीति करते रहे। और आज मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पूरे देश में, खासकर यहाँ बीजेपी जैसी संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दे सकती है तथा ना ही ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर कभी भी कोई चुनाव आदि लड़ सकती है। लेकिन फिर भी मेरे दिनांक 29 अक्टूबर को दिए गए बयानों को इसे षड्यंत्र के तहत काफी गलत तरीके से प्रचारित करके वह उसकी आड़ में यदि कोई भी विरोधी पार्टी बीएसपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी के लोग उसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए पूर्व की तरह आगे भी बीजेपी के साथ मिलकर कोई भी चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसे भी आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, संकीर्ण ताकतें हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा किसी भी कीमत पर नहीं होता है। और ये मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और मैं क्यों लूं राजनीतिक संन्यास, बीजेपी के दबाव में आके लोग कहते हैं बहुत तकड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे कांग्रेस, सपा, बीजेपी कितने भी दबाव बनाए, मैं दबने वाली नहीं हूँ, ना राजनीति से संन्यास लेने वाली हूँ। और मैं हर मोर्चे पर जो जातिवादी ताकते हैं, पूंजीवादी ताकते हैं, संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकते हैं, उनका मैं बराबर मुकाबला करती रहूंगी और उनसे मैं तिल भर भी घबराने वाली नहीं हूँ। मुझसे बहुत से लोग कहते रहते हैं, हमने बोला सवाल ही पैदा नहीं है चुनाव लड़ने का, जब तक मैं जिंदा हूँ तो ये ऐसा संभव नहीं हो सकता है।